अंदर बुलाए, अंदर बुला के उसको पकड़ लिए, बोले 4 से 5 years की इसको जेल करते, बोले इंश्योरेंस के पेपर वो सब हम लोग के हाथ को दे देते, बोले उन लोग का वो हो गया के बाद में अब हम लोग को एमएलए लीडर कुछ भी साथ नहीं दिया हमको। जिधर एक्सीडेंट हुआ उधर पूरा अंधेरा है, एमएलए भी लाइट स्ट्रीक लाइट लगाना कुछ भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरे में ऐसे कितनों के जाना देंगे, एक जनों की कई, अब आगे और होते रहते हादसे, ऐसे कितने लोगों के माँ बाप बेघर हो जाते, कितने लोगों के घर में अंधेरा हो जाता, आप बोलो अंधेरा होते रहेगा तो ऐसा कैसा, पूरे दुनिया के जवान बच्चे मर गए तो कैसा, आप लोग का बोलो, हमारी डिमांड है पूरा खर्चा उन्होंने हमको दिलाते, बोले अब हमको खर्चा भी होना हमको लेकिन उसको भी हम लोग उसको सजा दिलाना, बोले कमिश्नर अंजलि कुमार से हमारी अदबन गुजारिश है उन्होंने हमको इंसाफ दिलाना बस। और हॉस्पिटल का भी बोलो, न्यू लाइफ थाम्बे हॉस्पिटल में भी बहुत लापरवाही करे, जब बच्चा खत्म हो गया तभी बच्चा खत्म नहीं हुआ बोल के बिल पे बिल बनाते गए 50,000। जब 50,000 हमको पूछे, हमारा 50,000 नहीं है, बच्चा होश में नहीं आ रहा, उन्हें कुछ भी रिस्पांस नहीं दे रहा बोले, हमला तो रिस्पांस नहीं दे रहा बोले, तो उन लोग क्या करे मालूम, हमला 50,000 पे नहीं बनते, बच्चा रिस्पांस दिए तो हम बनते बोले। थोड़ी देर में आधा घंटा भी नहीं हुआ जब फोन करके बुला के बोले बच्चे की डेथ हो गई बोल के, ये कहाँ का इंसाफ है बोलो, थाम्बे हॉस्पिटल सीज होना बंद होना थाम्बे हॉस्पिटल, एक केस नहीं हुआ, ये हुकूमत के तरफ से भी कुछ भी इंसाफ नहीं आया हमको, और एमएलए बलाला जो भी है केसियर कुछ भी करना हमको मदद करना, हमारे बच्चों का बोलिए अम्मा बोलिए, बोलो जो बोले बोलो, अंदर का इंसाफ, अंदर वहाँ पे उसको पकड़ के लेके आए, लेके आके हम लोग को बता रहे, इसने थे हमला जबरदस्ती करे थे उसको बता रहे, उससे पूछे इसने कहते, लीडर भी हमारा कुछ साथ नहीं दिए, वहाँ पे अंधेरा होने की वजह से एक्सीडेंट हो गया बोल के उन्हें बोल रहा कहते, अब हम लगा क्या करना, हमारे बच्चों की जाना वापस आते, हमारे को ट्रीटमेंट में भी कुछ हेल्प नहीं मिला मुख्तार के लिए, उस्मानिया हॉस्पिटल में बलाला बोले हमको न्यू लाइफ में ट्रीटमेंट दिलाते बोल के, न्यू लाइफ में भी ट्रीटमेंट नहीं मिला हमको, दूसरी बार आके बोले आधा खर्चा अपना बर्दाश्त करना बोल के, उस्मानिया में लिख जाके हमारे बच्चे को डाल दिए थे, उस्मानिया में भी हमको कुछ ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा नहीं मिला, 2 दिन के बाद हमारे बच्चे को डिस्चार्ज कर दिए, हर जगह हमारे बच्चे को जख्म है, हर जगह जख्म है, हर जगह हमारी तीन लोग रोड क्रॉस कर रहे थे, उसको ये कार वाले ने टक्कर दिया, टक्कर देके भाग गए, अपन तीन टीम बना के उसको पकड़ के लाया, उन्होंने कड़पा वासी है, कड़पा चले गए थे, उसको पकड़ के लाया, उसका नाम है रोहित रेड्डी। इसमें तीन आदमी में अफरोज मुख्तार और सोहेल और बोलने वाला तीनों के एक्सीडेंट हो गया था, सोहेल कल मर गए, तो इसलिए 337 एंड 304 ये अभी ऑर्डर करा, 304 ये 337 में केस इन्वेस्टिगेशन चल रहे, इसे दरमियान रोहित रेड्डी को आज अरेस्ट करे, कल कोर्ट में प्रोड्यूस करते, इसको अरेस्ट करे बोल के वो जो मर गए सो आदमी का सोहेल बोलने वाले माँ बाप आके पुलिस स्टेशन में हमको इंसाफ दिलाओ ये बोल के पुलिस स्टेशन में आए, उसको भरोसा दिए हम इंसाफ करते बोल के, कल उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करते, कानून जो बोलते वो कानून कार्रवाई। Thank you.
सारे गम गए।